वेलकम बैक नाजरीन। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकर ठीक कह गई हैं। भाई आलम खान साहब, तुहानू ते बुले लुटने चाहिए ने, ताड़ी ते गैदरिंग्स दे विच इजाफा होना चाहिए है, ताड़े जलसे जुलूस भरपूर होने चाहिए न, और हकूमत जी है गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, क्योंकि खान साहब ने तो खुद मान लिया आपकी बातें जो की हुई हैं, आपको तो फायदा हो गया। जी भाई वहीद आलम खान साहब जी, ये बात देखें, हम तो पहले भी इनकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहते थे। कायदे मोहतरम ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े आराम से कहा था कि इन्हें 5 साल पूरे करने दें, 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा हम देख लेंगे। 2.5 साल हम कौमी असम्बली में इनको ये बातें समझाते रहे, बार बार अपील करते रहे कि भाई आइए मुल्क को चलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी होता है, उसमें मिल बैठे, मिल बैठकर बैठेंगे, और उसके लिए कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर मिसाके मईशत के लिए और गिलगित बसिस्तान को सूबा डिक्लेयर करने के लिए और जुनूबी पंजाब को और इंतखाबी इस्लाहात के लिए ये सारी बातें की कि आइए बैठ जाएं, इस पर बैठकर सारी बातें कर लें। लेकिन 2.5 साल में किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, और इनका जवाब आगे से इतना सख्त होता था कि वो सख्ती होते 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 इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब दूसरी तरफ से ये सुनाने के लिए तैयार है, अब दूसरी तरफ के कोई सुनने के लिए तैयार। आप ये जब बात करते थे तो वो कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं। जी हाँ, एनआरओ के देखे ना, एनआरओ की बात है, हम पहले भी कहते थे, मैं पहले ना मांगो ना एनआरओ, हम देखे ना एनआरओ की पहले भी बात थी, इनको पता ही नहीं है एनआरओ क्या है क्या नहीं है, और अब तो उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि मैं एनआरओ की जो बात कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। आज उन्होंने ये कहा है कि जो एनआरओ देंगे वो मुल्क के गद्दार होंगे। वो कौन है? मोहम्मद अली दुरानी साहब गए ना वो, ये अब उनको पता है ना कि कौन दे रहा और कौन नहीं देना चाह रहा। मोहम्मद अली दुरानी की आज की स्टेटमेंट सुन लेना, उन्होंने कहा है कि Track 2 डायलॉग शुरू हो गए हैं जो कि आवाम को नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? चले वो बहरहाल देखें, वो देखें, जमहूरियत में सबसे पहली चीज होती है अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करना, और हुकूमत का काम होता है उनके जवाब देना और अपनी इसलाह करना। लेकिन और डायलॉग हर जगह पर जरूरी है जमहूरियत में। आप ये कह दें कि मैं किसी से डायलॉग नहीं करूंगा तो फिर वो जमहूरियत नहीं रहती, वो डिक्टेटर आ जाती है, आमरियत आ जाती है। और आमरियत से निपटने के लिए इस वक्त या तो तालीम हो या शाऊर हो लोगों के पास, फिर वो आमरियत से निपटते हैं। जैसे जलजला आए तो इमारत मजबूत होनी चाहिए, इसी तरह आमरियत से निपटने के लिए। लेकिन इस ये जो हालात और वाकयात बन रहे हैं, और जिस तरह इमरान खान साहब अपना जो मुद्दा बयान करते चले जा रहे हैं बगैर किसी तरदीद के, बगैर किसी तरद्दुद के, यानी बड़ी अजीब अजीब सी बातें उनके मुंह से निकल रही हैं, जो चूंकि समझ नहीं आती कि क्या वाकई ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो कि पहले किस तरह की बातें करते थे और अब क्या कर रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि हम करप्शन खत्म करेंगे, पहले वो कहते थे आवाम की गुर्बत मिटाएंगे, पहले वो कहते थे बिजली गैस सस्ती करेंगे, पहले कहते थे गरीब का चूल्हा जलाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, ये कहते नहीं थे। देखे वो तो इसलिए ना, अब कुछ नहीं मिल रहा ना, अब वो उस तो उन कह रहे हैं कि हमें तजर्बा नहीं था उन बातों से भी, उन बातों से जो उन्होंने की थी, क्योंकि वो जो वादों का सेब है ना वो उनका पीछा कर रहा है, वो तो छोड़ेगा नहीं। और उसी तरह जिस तरह अब ये बातें कर रहे हैं, ये सब उनकी बुखलाहट का निशान है। अच्छा जनाब, जो बुखलाहट में आकर, यानी मैं परसों हैरान हो रहा था कि वो ना ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून में और PDM में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और ये भी एक करप्शन की किस्म होती है अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहा है, या वो कह रहे हैं बन रहा है जो उनको इलम है, इसका मतलब उस पर वो काम कर रहे हैं और ये करप्शन वो फैलाना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे बड़ी मासूमियत के साथ तूर साहब, इमरान खान साहब, वहीद आलम साहब सीजन पॉलिटिशियन की बात को ऐड करते हैं, इसका मतलब है जब काफ लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बना था तो तब भी करप्शन हुई। नहीं नहीं, ठीक है, सवाल आप ले लें। मेरा ख्याल है मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जो मुझे पता है उसके बोलने का, उसके उठने का, उसके बैठने का, जब वो एज ए वजीर आजम बिहेव कर रहा होता है, वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो उन अमूमन उन ख्यालात को और उन SOPs को फॉलो करता है जो रियासत और आइन उसको हक देती है। लेकिन खान साहब तो इतनी खुली डुली बातें कर देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनकी मासूमियत की मैं दाद दूंगा कि पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको कवर किया कि जो 20 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन लड़के आया वो इस्तीफा क्यों देगा। जरा गौर करें इस बात पर, एज अ प्राइम मिनिस्टर इकरार करना और बात है,
अपोजिशन लीडर बात करना और बात है। अच्छा उन्होंने ये बात की और उसके बाद खान साहब कभी कहा करते थे कि जी ऊपर जो बैठा होता है वो करप्ट होता है जब बिजली या गैस महंगी होती है। तो भाई बिजली तो आज भी महंगी हुई है, क्या करें, हम किसके पास जाएं ये रूदाद लेके जो लोगों के घर में मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में शायद लोग खुद ही कह दें कि हमारे घर बिजली ना भेजो, मीटर कटवा दें, उनकी रीच में नहीं रही। अच्छा गुजारिश ये है कि ये सारी जो महंगाई है, ये जो कीमतें हैं, तहरीक इंसाफ जो पिछले 30 सालों के अंदर छोड़ा गया हमारी मईशत के साथ जिस तरह से खेला गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ इस एक वक्त से गुजर रही है कि वो चीज़ों को रिवैम्प कर रही है, वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब जो सर्कुलर डेट तहरीक इंसाफ के कंधों के ऊपर पिछली हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से है, ये वो वक्त लेगा ख़त्म होते होते। और ये महंगी बिजली की प्रोडक्शन के जो मुआहदे पिछली हुकूमतों में हुए, और अब तहरीक इंसाफ ने, आप क्यों तारीफ नहीं करते तहरीक इंसाफ की, जब तहरीक इंसाफ ने रीनिगोशिएट किया है और आने वाले साल के अंदर सस्ती बिजली के मुआहदे किए हैं बिजली के प्रोड्यूसर से। सो तहरीक इंसाफ हर चैलेंज से निमटने की कोशिश कर रही है। और जो आपने बात इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपने की कि खान साहब ने शायद किसी जगह के ऊपर ये कहा है कि हम 2.5 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो वो उनका बयान बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया में चलाया गया और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर तजिये किए गए। खान साहब ने अपने वजीरों को मोटिवेट करने के लिए ये बयान दिया कि आप मजीद संजीदगी के साथ, क्योंकि आप डिलीवर करने के लिए हमारे पास जो बाकी वक्त है उसमें हमने माजी के तजर्बों से सीखते हुए मजीद उसमें डिलीवरी देनी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब आप सुन लें जी जी। नवाज शरीफ साहब जिनके पास हुकूमत करने का वजारत खजाना पंजाब की वजारत आला से लेकर तीसरी दवा के वजीर आजम साहब, आप वो भी क्लिप देखें कि जब उन्होंने अपने इक्तदार में आने के 1.5 साल बाद ये कहा कि जब चीजों की समझ आती है तो तब जाने का वक्त हो गया होता है, और अभी तो हमें समझ नहीं आ रही कि चीजें जा किस तरफ रही हैं। तो बात यह है कि जब आपने नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना और अच्छा। किसी के बयान के ऊपर अगर कोई 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 गुफ्तगू करनी है तो मैं तो आधा घंटा जाके नवाज शरीफ के इस बयान को मैं कर सकता हूं। लेकिन बात यह है, ये जो खान साहब की बात है या जो नवाज शरीफ की बात है कि जी स्टेटमेंट्स कैसे देते हैं या क्यों देते हैं, मैं तो सिर्फ भाई ये कह रहा हूं कि मुझे तो इतना अंदाजा जरूर है कि खान साहब जिस तरह वादे कर रहे थे, मैं किसी सियासी लीडर को, मैं खान साहब के अलावा ऐसे नहीं देखा कि मैं 90 दिन में ये कर सकता हूं, मैं 10 दिन में ये कर सकता हूं, 200 लोगों की मेरे पास टीम है, मैं ये कर सकता हूं, हम अपना खारजा पॉलिसी में ये करेंगे। इन्होंने तो खारजा वजीर नहीं लगाया 4 साल, तो खारजा अमूर का ये खारजा पॉलिसी किसके पास है? खान साहब तनकीद किया करते, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल पॉजिटिव तनकीद करते, पॉजिटिव तनकीद, कैसे पॉजिटिव तनकीद? सुने सुने जब आप लगाने नहीं देंगे किसी को, नाम सारी दुनिया जानती है। मैं अब नवाज शरीफ ये बात कर रहा है कि 70 साल में जो कुछ हुआ गलत हुआ, हमने भी किया वो भी गलत हुआ, अब आने वाले दिनों में उसकी सलाह कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, अच्छा तजर्बेकारी का एक मिनट एहतराम के साथ, तजर्बेकारी का ये आलम है कि तीसरी दफा वजीर आजम बनने के बाद उनको वजीर खारजा कोई नहीं लगाने देता, कोई एक ऐसा है जो वजीर आजम पाकिस्तान को 2 साल अपना वजीर खारजा नहीं लगाने चलने चलने दिया, और यही लड़ाई 20 साल से वो इक्तदार में रहे हैं, लोगों का बेड़ा गर्क करने के बाद ऑन जॉब उन्होंने ट्रेनिंग ली थी इक्तदार की, यही लड़ाई अब यही वो चाह रहे हैं कि 70 साल में जो कुछ कुटाइयां किसी से भी हुई सबसे मिलकर अब वो नहीं होनी चाहिए ताकि मुल्क को आगे बढ़ने दे, किसी को तो जब करने दे। जरदारी खानदान ने और शरीफ खानदान ने खरबों की जायदादें बना ली हैं, तो अब आप आगे चलें, मालिक उन्होंने आगे चलें, अपने जब आप जियाउल के कमले के अंदर सियासत सीख रहे थे, क्या करना करप्ट है वो लेट लिया वो लो बाबा रुकिएगा, जो उनके पास पैसे थे पैसे हैं और पैसे हो धड़े की भाई बात यह सच है कि यह चूरन को 3 एकमात बिक सकता था। नवाज शरीफ को बाहर मैंने नहीं भेजा, अपने खकान अब्बासी को ईसीएल से निकालने की मंजूरी मैंने नहीं दी,
जहांगीर तरीन साहब की जो 22 अरब की करप्शन है उसके ऊपर पर्दा मैंने नहीं डाला। वजीरों को इधर उधर करना जो है ना डॉक्टर बासित के बस की काम है, ना वहीद आलम की, ना आपकी, वो मैं नहीं करता। वो जो करते हैं हमने उन्हीं से पूछना है। खान साहब के साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ, डॉक्टर साहब आपके साथ मैं मुखातिब हूं, इमरान खान साहब के साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ, खान साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा खान साहब पागल दी डेफिनेशन की है, अजरा मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा। खान साहब ने कहा कि जो अमल कोई शख्स बार बार करे, उसको बार बार दोहराए और वो समझे कि उससे नतीजा मुख्तलिफ हासिल कर सकता है एक ही अमल से, तो वो अगर बार बार वो अमल करता है नतीजा वही रहता है, उससे अपना मुखालिफ सिम्त में वो नतीजा हासिल करना चाहता है, वो पागल है। अब मुझे बताएं मैं किसको पागल कहूं कि सूरत हाल ये है कि वो आप, कभी खुसरो को सुने मेरा सवाल तो खुसरो को आप उठाते हैं, आपने म्यूजिकल चेयर बनाई हुई है, असद उमर को आप उठाते हैं, किसी को बिठा देते हैं, उसको उठाते हैं, उधर बिठा देते हैं, ये क्या चक्कर है? वही अमल बार बार है। डॉक्टर साहब कोरोना के मामले में भी डॉक्टर अता कहते हैं कि ये स्कूल खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये है खारा पानी, ठीक है, खारे पानी में दाल डाल दें उसने गलना, हाँ, नहीं, मुराद ये जो मर्जी कर ले, अच्छा, जिसको मर्जी ले आए, जितने मर्जी आदमी बदल रहे, इनसे कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर मुराद रास जो पीडीएम की दाल नहीं, अच्छा सुन ले जरा, डॉक्टर मुराद रास जो है वो फरमा रहे हैं जी मैं स्कूल खोलना चाहता हूं, शफकत महमूद साहब कहते हैं जी हमें बच्चों की सेहत ज्यादा अजीज है, एक ही हुकूमत है, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, दीगर मामला भी एक ही तरफ जाने चाहिए। ये लोगों को कंफ्यूज तो ये हुकूमत खुद कर रही है, क्या करें हम, कहां चले जाएं कोरोना के मामले में? डॉक्टर साहब देखिए शमसी साहब जो हुकूमती मौकफ है वो तो आप तूर साहब से ले रहे हैं और उन्हीं को देना चाहिए। नहीं मैं एज अ डॉक्टर स्कूलों की मैं वही बात आपसे करने लगा हूं, कोरोना के जो केसेस हैं मेरे ख्याल में अभी इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। हमारे जो इंडिकेटर्स पाकिस्तान में पॉजिटिविटी की रेशियो जो चंद महीने पहले थी अब उससे बढ़ गई है। चूंकि टेस्ट भी अब पहले से ज्यादा होने लग गए हैं, लोग ज्यादा अब मुतहर्रिक हैं, लोगों में ज्यादा शऊर है उस बीमारी का, लोग अब जानते हैं, अगरचे एसओपीज को उस तरह से लोग फॉलो ना करें लेकिन लोगों को पता है कि अब ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। अब वो साजिश थ्योरी से निकल के लोग प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आ गए हैं, चूंकि हर एक के रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरीज मौजूद रहा है, लिहाजा अब लोग देखते हैं जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो इज्तमात हैं, मेरे ख्याल में उसकी इजाज़त देना अभी रिस्क हो सकता है, उसका खतरा हो सकता है। और जो हुकूमती वज़रा हैं किसी एक का मौकफ अपनी जगह दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें शायद इजाज़त नहीं देते कि हम अपने स्कूलों को खोलें। और ख़ासकर देखिए जब बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, जैसे हम यहाँ इस सेट पे बैठे हैं, हम एक खास फासले से बैठे हुए हैं, जब आप एक क्लास के अंदर 100-150 बच्चा बिठाते हैं, कोई 5-6 साल के बच्चों की उम्रें हैं, आप उनको उस तरह से पाबंद नहीं कर सकते कि वो फासला भी रखें, एक दूसरे से दूर भी बैठे, मोहतात भी रहें, मास्क भी पहने, बच्चे छुट्टी के वक्त ब्रेक के टाइम आपस में खेलते भी हैं, मिक्सिंग भी होती है, और फिर बच्चों को जो इम्यूनिटी है वो भी लो है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल है मौसम सर्दी का, जब नज़ला जुकाम होता है तो वो भी अब कोरोना की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका डर भी लोगों को रहता है, ये भी एक डर सा पैदा हो गया ना, अगर किसी को सर्दी से बुखार होता है या नज़ला होता है, जुकाम होता है, तो वो डर जाता है। एक बच्चे को अगर नज़ला होगा तो आप अगर उसको क्लास में लेके जाएंगे तो वो 100 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वैसे भी ये फ्लू जो है वैसे फैलता है, वही कह रहा हूँ ना, आजकल मौसम है इसका, वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को तो एक सेकंड में लग जाता है। आप देखिए घर में मेहमान आए हुए आपके घर में, तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे को वो मर्ज जो है वो मिक्स हो जाता है। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी इस मामले में मेरा ख्याल है कि और यकीन उम्मीद है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और अभी शायद स्कूल नहीं खुलेंगे और इम्तहान भी अभी पोस्टपोन। अच्छा एक और बात है, बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब आपने की, मैं इस पर जरा जोर दे के कहना चाहता हूं, जो हमारी लॉकडाउन की पॉलिसी थी ना, जो खान साहब ने पहले अपनाई थी आगाज में, इंतहाई अच्छे वक्त में उन्होंने लॉकडाउन किया था। अच्छा उस स्मार्ट लॉकडाउन का मैं नहीं मानता इस बात को, अब वो बात वाजे हो गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन का कोई अच्छा नतीजा निकलता है, लेकिन जो खान साहब ने लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से हमारी बचत हुई थी। जो 2-3 माह कौन सा लॉकडाउन लगाया था? जो पहले वाला, वो तो सिंध वालों ने लगाया, इन्होंने तो लगाया ही नहीं। पंजाब में हमने मजाक उड़ाते थे, पंजाब में हमने बोलता जी हम ओपन सारी करने जा रहे हैं, वो तो कोई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ अल्लाह की तरफ से, ये आप बच गए हैं। मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम किए, आपने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब आप बताएं जरा, वो जो लॉकडाउन था जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, देखिये सर जो आपने बात की है ना, मैं वही बात, उसका बहुत फायदा हुआ। जहां हम प्रोग्राम के स्टार्ट में थे, जब खौफ होता है, लोग अपने घरों में महदूद हो जाते हैं, उसकी एक फिजा होती है,
पहले आप देख ले टीवी में पहली खबर से लेके आखिरी खबर तक कोरोना चल रहा होता था, अखबार के पहले सफे से लेके आखिरी सफे तक कोरोना की खबरें होती थी। अब हर जगह चीजें मुख्तलिफ हो गई, अब खौफ कम हो गया। खौफ जब कम हुआ है तो लोग जाहिर है बाहर निकल आए हैं, लोग साल डेढ़ तो लोग साल हो गया। आप आज देखें दिसंबर में ये मसला नहीं, अभी भी जब तक पीडीएम का जो रिसर्च था लौटता का वो चल रहा था ऐसे ही, अब उसके बाद बंद हो गया। वैजाल खान साहब मिनवाए दसो के इस बात में तो ये सच्चे हैं, ये बात तो आपकी सच है कि ये जो इस्लामाबाद में आप जीते हैं यार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामाबाद में मेयर की सीट आप जीत गए, इसका मतलब है वे कि जड़ी ट्रैक टू वाली जड़ी गल है मोहम्मद अली दुरानी साहब की, वो किसी हद तक जो न्यूट्रल होने वाली जो सिलेक्टर्स हैं वो साबित हो गई है कि सिलेक्टर न्यूट्रल हो गए हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब तुसी नाल शामिल होया करो, कोई गल नहीं है, इस कोई फर्क नहीं पैंदा। मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद का वहीद आलम खान साहब जो आपकी जीत है, आपके वोट आपको मिल गए, इसका मतलब आप अदम एतमाद ला सकते हैं, शायद कामयाब हो जाए बजाय जलसे जुलूस करने के, लोगों को परेशान करने के। देखें ये तो पीडीएम फैसला करेगी अब, क्योंकि एक वो तहरीक बन गई है और हमने पहला मरहला जो तहरीक का था वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, दूसरे मरहले में हम दाखिल है। ये तहरीक का जो आप समझते हैं कैसे चलती है, इनके हिस्से होते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी, आप इस्लामाबाद में मेयर का इलेक्शन जीत गए हैं। जी जी जी, वो आपकी बात दुरुस्त है, हम जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मुबारक हो। वो तो ये है ना, देखें इन्होंने तो कोशिश की अपने तौर पर, इन्होंने पहले को भी हटाया मुख्तलिफ इल्जाम लगाकर, मुख्तलिफ बातें कर इतना तंग किया कि वो बेचारा रिजाइन। अगर वो अभी भी इनके साथ होते वो जो कहते हैं कि अपना जो कुछ अब भी होते तो मेरा ख्याल नहीं, है नहीं, आप हारते ना, नहीं अभी नहीं हारते, क्योंकि इन्होंने हालात माशी तौर पर लोगों के इतने खराब कर दिए हैं कि इस वक्त कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसका किसी किस्म की, इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको अभी क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, उन दोस्तों को जिनको मैं देना चाह रहा हूं। नहीं, इस वक्त ना माहौल जो आपने बाहर नहीं देखा, इस वक्त माहौल जो है ना बाहर, मेरी बात सुने, अब उन लोगों को भी खौफ ज्यादा होना चाहिए, लोगों का माहौल देखकर, जो लोगों की जो नजरें हैं, जो लोगों की जबानें हैं, जिस तरह लोग बिहेव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको देखकर कुछ सोच समझ वक्त इससे पहले कि कुछ और हो जाए वो सोच समझ लेना चाहिए। सब जो मोहम्मद अली दुरानी साहब फरमा रहे हैं, रात भी वो उन्होंने मीडिया पे बड़ी जगह बनाई हुई थी, हर प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे मैं बता रहा हूं कि ट्रैक टू डायलॉग शुरू हो चुका है और उसके नतायज नजर आ रहे हैं। अच्छा, जितना मैं जानता हूं, ये मैं डॉक्टर साहब को आज जानबूझ के छेड़ रहा हूं, इनको तखातब बनाया हुआ है मैंने। वहीद आलम खान साहब आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, मोहम्मद अली दुरानी साहब को ना इमरान खान साहब इंतहाई नापसंद करते हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और जितना खान साहब मोहम्मद अली दुरानी साहब को नापसंद करते हैं उससे डबल मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो खान साहब को नापसंद करते हैं। ये मुझे अंदर की बात का पता है, ये उस वक्त का पता है जब मिल्लत पार्टी जम हुई थी। ठीक है, अब सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई है कि जो इमरान खान साहब की नापसंदीदा शख्सियत है उनको शहबाज शरीफ साहब के पास भेजा गया है डायलॉग के लिए। जरा हमें वजाहत तो करें सर, तूर साहब। सर गुजारिश ये है कि एक तो आपने ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूं, आपने खुद ही बता दिया कि मोहम्मद अली दुरानी को खान साहब बहुत नापसंद करते हैं और मोहम्मद अली दुरानी की खान साहब के बारे में अच्छी राय नहीं है, तो जिस शख्स की राय ही बायस्ड हो तो उसका कोई तजिया इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में आप उसको कैसे ओन करके तजिया करते हैं। दूसरी बात यह है, मेरी सुन ले, आपको सुनना पड़ेगा जनाब, आप सुने सुने, पूरी पंजाब गवर्नमेंट ने मुलाकात रोकने की कोशिश की है। आप खबर मुझे ये दे रहे हैं, मैं इफ आई स्टैंड करेक्टेड, आप खबर मुझे ये दे रहे हैं, सुने सुने सुने, आप खबर ये दे रहे हैं खान साहब के, सुने तो सही ना, कि शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर बंद हैं, उनसे कोई अशखास या कोई शख्स मिलने आया है जो कि किसका पैगाम लेके गया है, जिसका भी गया है, जिसका भी गया। इसका मतलब है कि इस बार फिर नून लीग ने अपनी अपनी तारीख से नहीं सीखा और जमहूरी जदोजहद पर उनका कोई एतमाद नहीं है, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं अंदर और वो हमें कहे कि हमें एनआरओ दे दो। ये तो नून लीग मान गई, तो ये तो नून लीग ने मान लिया कि जमहूरी जदोजहद सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक को, इसका मतलब तो ये है कि नून लीग ये समझती है कि जलसे सिर्फ जो है गिव एंड टेक की टेबल पर आने के लिए है, जमहूरी जदोजहद और आवाम पर यकीन रखते ही नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई, ये बात तो तय हो गई। वक्त चूंकि खत्म हो गया,
डॉक्टर साहब आपका बेहद मशकूर हूं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तूर साहब आप तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी, वहीद आलम खान साहब आपने हमें अपना तजिया से नवाजा, आपकी भी बड़ी मेहरबानी। मुझे एक थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के दोस्तों से और नून लीग वाले दोस्तों से सबसे एक मैंने इल्तमास करनी है, अर्ज करनी है कि खुदा का वास्ता है, यकीनन अपनी अपनी जमातों के नजरिए के साथ खड़े हों, लेकिन उस नजरिए के साथ खड़े हों जो नजरिया खान साहब का मीनार पाकिस्तान पे जलसे में था, उस पे मत खड़े हों जिसमें वो कह रहे हैं जी मुझे तजर्बा नहीं था। इसी तरह मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा कि वहां जरूर नवाज शरीफ के साथ खड़े हों जब वो रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे हों, और जब आपको इल्म हो कि ये रियासत पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं तो फिर प्लीज परहेज करें। यही बात मैं कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब जेल में है, मोहम्मद अली दुरानी को जिसने भेजा है यहां, जब भी कोई शहबाज शरीफ को मिलने जाएगा वो दरखास्त देगा, अप्रूवल होगी, फिर वो मिलेगा, वजीर कानून इजाजत देगा या दाखला महकमा दाखला इजाजत देगा, तो फिर मुलाकात होती है। यहां ना कोई दरखास्त हुई, सिर्फ वो आए, अंदर गए, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसका नतीजा जो है वो अवाम खुद निकालें, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो कोरोना से भी बचने के लिए तदबीर करेंगे और महंगाई से बचने के लिए भी आइंदा जो हुकूमत जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट करेंगे। और मैं दुआ करता हूं कि इस मुल्क पाकिस्तान जो कि ममलकत खुदादाद है, जो कि हमें हमारी वेलफेयर के लिए बनी थी, अल्लाह ताला इस रियासत को क्यामत तक कायम दायम रखे। और हम बात करते रहें और यकीनन मुल्क होगा तो हम तनकीद भी करते रहेंगे अपने सियासतदानों के ऊपर और उनकी, बल्कि मैं रहनुमाई का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, उनको हम कम अज़ कम बताते रहेंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है कौम का ख्याल करें। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी, मेरे मेहमान निगरामी और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।